फॉरेस्ट जमीन की लूट हो रही है, आदिवासी जमीन की लूट हो रही है, गर्मजुरुआ जमीन की लूट हो रही है। कारखाना खोलने के नाम पे जिन जमीनों को एक्वायर किया था, जैसे HEC, ये सब जमीनों का लूट हो रहा। जमीन को लेके हाल के दिनों में बहुत सारी हत्याएं हुई है। JPSC को देखिए, 21 साल में 6 को परीक्षा हुआ है और 6 विवादित है। हमारे साथ मौजूद है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मधु मंसूरी जी। आज जैसा कि बिरसा मुंडा जयंती है और इस जयंती के मौके पर बिरसा मुंडा म्यूज़ियम का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन किया है और काफ़ी कुछ झारखंड में देने की बात की है। मधु मंसूरी जी, जिस तरह से पद्मश्री पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया जी, गीत को लेकर के, झारखंड के गीत को आपको लेकर के कैसा फील हुआ? बाबू, मुझे तो बहुत ही आनंद हुआ, क्योंकि लोगों के कहे मुताबिक मैं बोल रहा हूँ। बहुत पहले मुझे मिलना था, देर से ही मिला, दुरुस्त मिला। मैंने यहाँ की जल, जंगल, जमीन, खनिज, खजाना, आदिवासी, गैर आदिवासी सबों के हित में एक से एक गीत लिखा हूँ, गाया हूँ, चर्चित भी रहा हूँ। 65 साल समय दिया हूँ और मैं इस राज का कोई शोषण नहीं किया हूँ और न करूँगा। मुझे खुशी मिली है, माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति सबों ने मुझे निमंत्रण देके ये सम्मान दिया, आभार व्यक्त करता हूँ। आज जैसा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, आज बिरसा मुंडा जी म्यूज़ियम का भी उद्घाटन किया गया है, और क्या कुछ होना चाहिए जो जमीनी लाभ मिल सकता उनके वंशजों को, झारखंड के आदिवासियों को? देखिए, उनके वंशजों के साथ साथ जितने आदिवासी हैं, जितने दलित हैं, उनको ज़मीन से गर्दखल किया जा रहा है। फॉरेस्ट जमीन की लूट हो रही है, आदिवासी जमीन की लूट हो रही है, गर्मजुरुआ जमीन की लूट हो रही है। कारखाना खोलने के नाम पे जिन जमीनों को एक्वायर किया था, जैसे HEC, ये सब जमीनों का लूट हो रहा है। ये सबको अगर नहीं रोकेगी सरकार, या हम आप सभी लूट को रोकने में सहयोग नहीं करेंगे, तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा होगा। चूँकि हमें आप घर से गर्दखल कीजिएगा, तो मुझको तो निश्चय ही दुख लगेगा। इसलिए मैं कहा हूँ कि गांव छोड़ब नहीं, रे जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। हमको आप मेरा ज़मीन छीन लीजिएगा, JPSC को देखिए, 21 साल में 6 को परीक्षा हुआ है और 6 विवादित है। यहाँ के नौजवानों को, क्या जिंदगी को अंधकार में ढकेलने का काम अगर नहीं कर रहा है, ये बात कौन सा शक्ति पर्दे के अंदर छिप के करता है? इस बात को सरकार का काम पड़ता बनता है कि ये जांच करे। ऐसा क्यों होता है बार बार, काहे होगा, हमारे नौजवान क्यों गुमराह होंगे? सर, कहीं ना कहीं सिस्टम से आप नाराज़ नजर आ रहे हैं, जिस आपने कहा कि जमीन लूटी जा रही है, JPSC विवादित है, सिस्टम में कहीं ना कहीं त्रुटियां देख रहे हैं। सिस्टम को लोग टेबल में बैठ के डायरेक्शन करता है, जब जानकारी उनको मिलता है तो क्षेत्र में जाके देखे कि क्या ये असत्य है या सत्य है। जमीन को लेके हाल के दिनों में बहुत सारी हत्याएं हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी मैं एक प्रश्न खड़ा करता हूँ, आपको जानकारी हासिल कीजिए, आप लोग भी। हटिया प्रॉपर से बगल में एक गांव है चंदा घासी, वहाँ का 400 एकड़ ज़मीन अलग राज होने के बाद समाप्त हो गया, वो भी गैरमजुरा ज़मीन। और HEC तो जड़ से समाप्त हो गया है अलग राज होने के बाद, और HEC से सटा हुआ पुंदाग एक बस्ती है, वहाँ का GM लैंड 230 एकड़ लूट हो गया। ऐसा लगता है कि ज़मींदारों ने आज़ादी के पहले ही लोगों को बंदोबस्त कर दिया था, ऐसा हो गया। मेरे गांव में 503 एकड़ 9 डिसमिल ज़मीन है, सबों में अवैध कब्जा हो गया है। और मेरे गांव के बगल में फुटकल टोली है, पिर्रा है, तिलता है, और झीरी कमरे है, सब आदिवासी और गैर आदिवासी ज़मीन लूट हो गया। सर, तो आपने गीत गाया है, गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, और आपके सामने ज़मीन की लूट हो रही है, अब क्या संघर्ष रहेगा? अब तो मैं इस बात को कहूँगा कि सरकार के भरोसे में अगर रहेंगे तो ज़मीन नहीं बचेगा, इसलिए अपने तैयार होना होगा ज़मीन बचाने के लिए। ज़मीनें नहीं रहेगा तो हम लोग का तो पैर उखड़ जाएगा, आदिवासियों का पैर उखड़ जाएगा, मूलवासियों का पैर उखड़ जाएगा,
ये तो दुर्भाग्य है। गुलाल फूकने की जरूरत होना चाहिए, होना चाहिए। हम इसके लिए नौजवानों को कहेंगे सजग हो जाओ, नहीं तो हवा में तैरोगे, हवा में। सर काफ़ी गंभीर बात आपने कही, आज जन्मदिन है भगवान बिरसा मुंडा जी के, लोग की उम्मीद है कि कुछ उनके याद में आपकी दो पंक्तियां हो जाती, दो कविते हो जाते, क्योंकि लोग आपसे उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। बिरसा मुंडा जी को जहां से लाया गया था वो है डुम्बारी पहाड़। डुम्बारी पहाड़ से बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार करके अगस्त के महीने में पानी इसी रांची जेल में लाया गया था। तो बिरसा मुंडा जिसका गोद से आया है वो एक दिन आवाज़ देगा कि मेरा बिरसा को तुम ले गया जिस उद्देश्य से, उस उद्देश्य का तो पूर्ति नहीं हुआ है, जल जंगल जमीन खनिज खजाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए डुम्बारी पहाड़ आवाज़ दे रही है। मैं अपनी कल्पना के बल में 1978 में ही ये गीत लिखा हूँ, इसलिए अपने तैयार होना होगा जमीन बचाने के लिए। ज़मीनें नहीं रहेगा तो हम लोग का तो पैर उखड़ जाएगा, आदिवासियों का पैर उखड़ जाएगा, मूलवासियों का पैर उखड़ जाएगा, ये तो दुर्भाग्य है। गुलाल फूकने की ज़रूरत होना चाहिए, होना चाहिए। हम इसके लिए नौजवानों को कहेंगे सजग हो जाओ, नहीं तो हवा में तैरोगे, हवा में। सर काफ़ी गंभीर बात आपने कही, आज जन्मदिन है भगवान बिरसा मुंडा जी के, लोग की उम्मीद है कि कुछ उनके याद में आपकी दो पंक्तियां हो जाती, दो कविते हो जाते, क्योंकि लोग आपसे उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। बिरसा मुंडा जी को जहां से लाया गया था वो है डुम्बारी पहाड़। डुम्बारी पहाड़ से बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार करके अगस्त के महीने में पानी इसी रांची जेल में लाया गया था। तो बिरसा मुंडा जिसका गोद से आया है वो एक दिन आवाज़ देगा कि मेरा बिरसा को तुम ले गया जिस उद्देश्य से, उस उद्देश्य का तो पूर्ति नहीं हुआ है, जल जंगल जमीन खनिज खजाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए डुम्बारी पहाड़ आवाज़ दे रही है। मैं अपनी कल्पना के बल में 1978 में ही ये गीत लिखा हूँ। वो क्या कह रहा है, डुम्बारी बुरु बोली सुनब से खन कान खोली, डुम्बारी बुरु बोली सुनब से खन कान खोली, जब चूटू पालूखी से कापी जंगला गल कृपा न पा जाय के, बिरबा का रन में चली दल बहला सा जाय के, संथाल सा पारा थे आंग आंग चिहक थे, जब भूमि पूता पाछे नहीं घूरिया गुआ के, बिरबा कारण में चली दल बल सजाय के। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मधु मंसूरी जी, जिनका आपने सुना कि कहीं ना कहीं सिस्टम से नाराज़ हैं, और इनका कहना है आज भी झारखंड में जिस तरह से जल जंगल जमीन की लूट बरकरार है, इसे रोकने की ज़रूरत है, और साथ ही इन्होंने इसे रोकने को लेकर आगे भी अपने संघर्ष जारी रखने की बात कही है। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ रफी समी, न्यूज विंग रांची। बात के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक, यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, डीआर, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ईसीजी, टीएमटी, ईईजी, पीएफटी, एनसीबी आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जाती है। आपातकालीन सेवा सिटी स्कैन 64 स्लाइस की सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में, होटल गैली के पास, कोट रोड, बरगंडा, गिरिडीह।